ओके ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फास्ट थोड़ा, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क, ऑल शिफ्ट एफ, और एग्जाम, ठीक है। और मैंने बना दिया लिंक डॉट स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस टाइप टेक्स्ट स्लैश सी एस एस और शिफ्ट एफ सेव। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? जूम इन प्लस, सही है। ओके फाइल क्रिएट कर लेते हैं सी एस एस की। यस ठीक है। यूनिवर्सल सिलेक्टर स्टार मार्जिन 0, पैडिंग 0, सेव किया। और यहां पर मैं आता हूं, सबसे पहले नंबर करेंगे टास्क नंबर 2, ठीक है। ओके डिव डॉट कंटेनर, ठीक है। डिव डॉट कंटेनर, डिव डॉट सेक्शन मल्टीप्लाई 4 टैब 1 2 3 4, सही है। और हर किसी के अंदर मैंने वैल्यू दे दी 1 2 3 4, सेव किया। वन टू थ्री फोर, सही है। डॉट कंटेनर, बैकग्राउंड कलर येलो, सेव, ठीक है। और डॉट सेक्शन, बैकग्राउंड कलर ब्लू, येलो क्यों नहीं दिख रहा? हाँ ब्लू के नीचे, ठीक है, क्योंकि कंटेनर की हाइट डिफाइन नहीं है, ठीक है। ओके कलर व्हाइट, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स, सेंटर, ठीक है। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड व्हाइट, सही है। पैडिंग 10 पिक्सल, क्लियर है यहां से? यहां तक सबको क्लियर है? बिल्कुल, बहुत बेसिक सा कोड लिखा हुआ है। ओके डिस्प्ले फ्लेक्स, जिससे सेल्फ लर्निंग करी भी होगी। मैं अगर अभी रिफ्रेश करूं सेव करके तो क्या होगा? बाकी सारे कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं वाले कौन कौन है, और कुछ होगा वो वाले कौन कौन है? उसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, खाली ये लिखा है रॉ में आ जाएंगे शायद, और आपके आ जाएंगे, कंफर्म है, ठीक है। एक कंफर्म वाले, बाकी सारे बोले नहीं होंगे। आर, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स डिफॉल्ट पे आपके वेबसाइट के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको रॉ कर देता है, सही है। ओके अब मैं चाह रहा हूं, एक तो ये है, इन सबको सेम विड्थ आ जाए, वो कैसे आएगी? फ्लेक्स ग्रो 1, फ्लेक्स ग्रो 1, सेव। और एक तो ये है, ठीक है, और ठीक है। एक प्रॉपर्टी है आपके पास, उसका नाम है फ्लेक्स बेसिस। इसका ये मकसद है, इसको आप तब यूज करोगे जब आपको रिस्पॉन्सिव करते हुए एलिमेंट्स को साइड बाय साइड पे नीचे गिराना है, ठीक है, और उसकी विड्थ सेम रहे। अगर मैं इसको अभी दे देता हूँ 300 पिक्सल,
सेव किया तो ये तमाम अभी 300 पिक्सल में सेट हो गए हैं, कब काम आएंगे? सेव किया और अभी इस पे लगा हुआ है फ्लेक्स ग्रो 1, फ्लेक्स बेसिक्स कब काम आएगा? मैं इसको देता हूं कि भाई जब रिस्पॉन्सिवनेस की बात आए, जब रिस्पॉन्सिवनेस की बात आए तो एक एक करके नीचे आना, एक साथ नहीं आ जाना। उसके लिए आप दोगे फ्लेक्स रैप, 1 बाय 1 करके नीचे आना और यूं यूं होते रहना, ठीक है? और उसकी वैल्यू भी जाएगी रैप, ठीक है? सेव किया, रिफ्रेश किया, ठीक है? ये जो सेम विड्थ आपकी एग्जैक्ट आ रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ फ्लेक्स बेसिस, सही है? और जो डब्बे यूं यूं करके नीचे आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं फ्लेक्स रैप से। ग्रो से ये हो रहा है, यस, वो रिस्पॉन्सिवनेस को कंट्रोल कर रहे हैं डिप्स की। सेव आर, मैं ग्रो हटा देता हूं आर, ठीक है? अब मैं चाह रहा हूं जितने मेरे पास एलिमेंट्स है ना, सबको जो है सेम विड्थ पे एडजस्ट हो जाए, ठीक है? तो उसके लिए आप फ्लेक्स ग्रो यूज करोगे 1, ठीक है? सेव करते हैं और थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए मैं ऐसा करता हूं कि अगर आपको ग्रो में मसला है तो एक डिव कम कर देते हैं और इसको एक प्रॉपर्टी देते हैं 3, ठीक है? सेव किया, रिफ्रेश, सही है? फ्लेक्स ग्रो 1 सब पे लगा हुआ है और मैं यहां पर आया .3, फ्लेक्स ग्रो 2। जो इधर इधर वाले हैं उनमें एक जैसे स्पेस चाहिए, लेकिन उन दोनों की मिलाए तो 2 के बराबर हो। एक मिनट, मैं 3 की बात नहीं कर रहा, 2 की बात कर रहा हूँ, 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है? सेव किया और इधर, सही है? सेव और क्लियर है? फ्लेक्स ग्रो सबको क्लियर है? टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 2 सबको क्लियर है? ओके, 1 पे चलते हैं, ठीक है? इसको बंद कर देते हैं, सेव, और इस फाइल को बंद कर देते हैं। लिंक डॉट स्लैश टास्क डॉट सी एस एस टाइप टेक्स्ट स्लैश सी एस एस, सही है? इधर आते हैं, कंट्रोल भी इसको बंद कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। और इसको बंद कर दिया है, एक मिनट, क्या इशू आया है? इशू ये है कि डबल डबल कमिट हुए हैं, कॉपी, और यहां पर मैंने लिख दिया टास्क 1, ऊपर वाला टास्क 2 का है, ठीक है? और इन दोनों को मैंने दोबारा नीचे लिख लिया, तो ये कंटेनर और मेरे पास सेक्शंस हैं। सेव किया, वापस आते हैं तो मेरे पास कुछ इस तरह 1 2 3 4 आ रहा है, ठीक है? कंटेनर की स्टाइलिंग में कॉपी करूंगा, ओके, पहले देख लेते हैं, नहीं कंटेनर की नहीं, चाइल्ड की, डॉट कंटेनर, बैकग्राउंड कलर येलो, सेव, कंट्रोल शिफ्ट एफ, नॉट एफ, कंट्रोल शिफ्ट टी, यस, डब्ल्यू, ठीक। जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, बस ये चाहिए था, ठीक है? और बॉर्डर की भी जरूरत नहीं है, जिस इसने करा हुआ है अब उससे जब सवाल पूछूंगा तो उसने बताने हैं कि ये ऐसे कैसे हो रहा है। सेव किया,
पैडिंग की चलो ठीक है अभी जरूरत नहीं, सेव किया रिफ्रेश इस तरह आ रहा है। सही है लगा देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। सही है सबसे पहले तो येलो चाहिए फुल स्क्रीन पर, येलो चाहिए फुल स्क्रीन पर तो आप क्या दोगे? हाइट 100 VH ठीक है ओके। अब ये चाहिए आपको किस तरह रॉ, उसके लिए क्या दोगे किसको दोगे? कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स ठीक है। अब अगर मैं इक्वली रॉ थी या बीच में स्पेस था, स्पेस था ठीक है, थोड़ी देर के लिए स्पेस को छोड़ते हैं। मैंने लिखा फ्लेक्स ग्रो 1, क्या करेगा ये? सेम विड्थ दे देगा, सेम विड्थ दे देगा, लगाया हुआ है सेक्शन में फ्लेक्स रैप लगाया हुआ है 1 ठीक है ओके ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट कहाँ से चीजें हैंडल करता है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, पक्की बात है सही है। तो फिर अगर मैं इसको दूं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, क्या ये वर्क करेगा या नहीं करेगा? जी बॉयज गर्ल्स ये वर्क करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर कैसे करेगा, जगह बाकी नहीं है, जगह ही नहीं है, कहाँ वर्क करेगा, जगह ही नहीं है। सही है सेव किया आर, कोई जगह ही नहीं है, वो किसको हैंडल करे क्योंकि हॉरिजॉन्टली सब हाइट विड्थ के हिसाब से सेट हुआ हुआ है ठीक है ओके। हटा रहे थे ये बेकार हो गया। अलाइन आइटम्स सेंटर ये काम करेगा नहीं करेगा? वो तो पहले से सेट है, करेगा नहीं करेगा? और बाकी कौन वो हाँ वाला कौन कौन है? एक आउटसाइडर हाँ बोल रहा, बाकी कौन बोल रहे? चलो उसको हम हटा देते हैं अभी, वो तो सेट है, कैसे करेगा भाई? कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज करो 1 सेकंड के अंदर अंदर, नहीं करेगा ओके बिल्कुल करेगा ठीक है। क्योंकि आपने तो हाइट डिफाइन करी भी नहीं थी, तो जब अलाइन आइटम्स करोगे तो उसको हाइट मिलेगी नहीं, तो वो आपके एलिमेंट्स को जरूर सेंटर करेगा। सही है, और हमें इस तरह चाहिए नहीं था, सबसे पहले हम अपनी पैडिंग खोल देते हैं। सही है जरूरत के मुताबिक खोल ली ठीक है सेंटर, और मुझे सेंटर करना नहीं था, मैंने बोला कि अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड नॉट एंड सेव आर, नीचे तो आ गए, नीचे तो आ गए ओके। अब स्पेस भी चाहिए था, आर सही है मैंने दे दिया। विड्थ कितनी? 10%, 10% मैंने विड्थ दे दी। अब इस तरह कैसे खोलेंगे? जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, मेरा लास्ट से भी था, सेव किया आर, बिल्कुल सेट हो गया वैसे जैसे मुझे चाहिए था ठीक ओके। कोई हाइट वाइट कोई चीज मेरी ऊपर नीचे से खराब नहीं हो रही है ओके। 1 2 3 4 1 2 3 4
आर। डॉट वन हाइट मैंने इसको दे दी 10 VH, 2, 3, 4, 2, और इसको दे दी 30 VH, 3 PHR डबल। सर अभी टाइम लगेगा थोड़ा, जरा 25 VH और उसके बाद 40 VH। किसको? 4 को, FOUR आर। ठीक है, आपका जो चार्ट था वो तो रेडी हो गया। डॉट वन पे जब लगाया जाए होवर, सही है, तो क्या करो, हाइट 10 से कर दो 30, सही है। ट्रांजिशन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड किस पे? हाइट पर। ठीक, सेव किया आर। ठीक है, और अब हम ये वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा सिर्फ एक दिन सारे वर्क कर रहे हैं, सही है। 2, 3, 4, टू पे कितनी हाइट है? 30, और मुझे 2 से कम करानी थी ना, तो हम जब कम करानी होगी तो दे देंगे 15, जितनी करवानी है। 3, 3 कितनी है? 25, 25 से कर देते हैं 50। फिफ्टी और 4 है 40, 40 से कर देते हैं 80, नॉट 80, 60। सही है, सेव आर। ठीक, हाफ आवर के अंदर तैयार है। ठीक है, अब जिस चीज के कम नंबर आए ना वो टेस्ट बताते रहना। दिस इज क्विज W3 स्कूल। सही है, प्लस स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये बोल रहा है करेक्ट HTML रेफरिंग टू एन एक्सटर्नल CSS, किस तरह देते हैं? लिंक से देते हैं, बस बाकी चीजें तो बात करता हूँ। ठीक है, ओके। क्या बोल रहा है कि वेयर इज एन HTML डॉक्यूमेंट इज द करेक्ट प्लेस टू रेफर एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट। सिर्फ हेड में देंगे और कहीं नहीं देंगे। ठीक, और क्या बोला है? विच इज यूज टू डिफाइन एंड इंटरनल स्टाइल शीट, जो कि सबसे पहले क्लास में बताया था कि उसके लिए आप यूज करोगे स्टाइल। सही है, ओके। विच एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन इन लाइन स्टाइल्स? हाँ भाई, स्टाइल्स या स्टाइल? स्टाइल, सही है। करेक्ट वे टू राइट CSS, दिस 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 1, 2, 3, 4। 2 वाला कौन है भाई? 2 वाला कौन था? 2 क्यों जाएंगे भाई, इस तरह देंगे, देखो ना ये क्या है। सही है, कमेंट लिखते हैं किस तरह? इस तरह, थर्ड। H1, कौन सा वाला? टाइम लगेगा अभी भाई, 10 बजे तक बैठे हैं आज। हाँ, काम है थोड़ा। है, 5 मिनट है आपके पास। सही है,
बताओ भाई क्या है? बॉयज फॉन्ट साइज और पी को कैसे टारगेट करेंगे? ऑल पी। जल्दी जल्दी देख के बताओ यार, अभी तो टेस्ट करा है तुमने। आगे आगे आ जाओ, जिसका नजर नहीं आ रहा भाई। सेकंड है। अंडरलाइन, यहां मसले कर रहे थे लोग। थर्ड, लास्ट किसने बोला है? लास्ट नहीं है। ईच वर्ड इन अ टेक्स्ट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। हाँ, पहला हाँ। विच प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द फॉन्ट ऑफ एन एलिमेंट? टेक्स्ट बोल्ड, फॉन्ट वेट बोल्ड। हाउ डू यू राइट अ बॉर्डर लाइक दिस? टॉप दिस, दिस 10 5 21, 10 5 21, सेकेंड वन, क्योंकि मैंने बताया था टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। सही है? ठीक है, 10 1 टॉप राइट, 10 1 5 20, ये सबके मसले किए होंगे। 10 1 5 20 यूज टू चेंज द लेफ्ट मार्जिन ऑफ एन एलिमेंट, मार्जिन लेफ्ट और पैडिंग लेफ्ट। सही है। और नेगेटिव वाली पैडिंग में नहीं जाती, ट्राई करिए। नो लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर या दूसरा फर्स्ट डेमो, बट डेमो आईडी पकड़ते ही हैश, बाकी जाने दो सारे। हाँ बताओ, टेस्ट कौन था? डॉट टेस्ट। सेलेक्ट ऑल पी इन साइड अ डिव, डिव स्पेस पी, डिव डॉट पी, स्पेस पी और डॉट पी। जी, डिव स्पेस पी। हाँ भाई, आ रहा हूं भाई, जल्दी बताओ। फर्स्ट वन, पोजीशन स्टैटिक, ये तो मैं बार बार बता चुका हूं। सही है।